लास्ट लॉज ऑफ इकोलॉजी की प्रेजेंटेशन में हमने शेलफोर्ड लॉ पे एंड किया था, तो आज शेलफोर्ड लॉ से ही हम शेलफोर्ड लॉ की एप्लीकेशन से टॉपिक शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ शेलफोर्ड लॉ शुरू होती है लीबिग्स लॉ के लिमिटेशन से, जहाँ पे लीबिग्स लॉ का लिमिटेशन है कि फैक्टर्स जो हैं वो संगठन में काम करते हैं बजाय के आइसोलेशन के। तो लीबिग लॉ कहता है कि आइसोलेशन में जो है फैक्टर्स काम करते हैं, वहीं शेलफोर्ड लॉ कह रहा है कि फैक्टर्स जो हैं वो संगठन में कंसर्न वे में काम करते हैं। तो अगर एक फैक्टर का लेवल कम हो जाता है तो दूसरा फैक्टर जो है वो कंपनसेट करता है, ताकि दूसरे फैक्टर से आपका जो इंडिविजुअल का ग्रोथ है या जो भी उसका डेवलपमेंट है वो कंट्रोल हो सके। तो यहाँ पे शुगर मैपल के एग्जांपल को देखते हैं हम, जो कि वेस्टर्न कंट्री का एक ट्री है, और ये जो है आपका हाई टेम्परेचर टॉलरेबल जोन जो है इसका 24-27 डिग्री टेम्परेचर है, वहीं लो टेम्परेचर जोन जो है इसका वो है टॉलरेंस जोन -18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी टेम्परेचर जोन के बीच में ये सर्वाइव कर सकता है। वहीं हम देखें तो इस टेम्परेचर के अलावा हम रेनफॉल को भी यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो जितना ज़्यादा ड्राइनेस होगी, जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी, उतना ज़्यादा फॉरेस्ट की जो ग्रोथ है, शुगर मैपल की ग्रोथ जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो फैक्टर, टेम्परेचर और रेनफॉल जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि शुगर मैपल की जो ग्रोथ है वो आपकी कंट्रोल हो सके। तो टेम्परेचर का बढ़ना तो उसे जो बैलेंस करने के लिए रेनफॉल जो है हो जाएगा, वहीं टेम्परेचर का घटना तो लेसर इज द रेनफॉल। तो ये जो है एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो दिस वन इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ शेलफोर्ड्स लॉ। तो टॉलरेंस रेंज जो है वो हमेशा फिक्स होती है, और ये जो है चेंज हो सकती है, सीजन्स जब चेंज होते हैं तब चेंज हो सकती है, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रहे हैं तो भी चेंज होगी, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है किसी इंडिविजुअल का तो भी टॉलरेंस रेंज जो है ऊपर नीचे जा सकती है। जैसे ब्लू कार्प्स की टॉलरेंस रेंज जो है एग और लार्वा जो सेलिनिटी कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, ज़्यादा सेलिनिटी में सर्वाइव करते हैं बजाय के एडल्ट्स के। एडल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा सलाइन वाटर में नहीं रह पाते हैं ब्लू कार्प्स के। तो ये जो है रेंज ऑफ ऑप्टिमम जो है वो ही बताती है कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से विषम परिस्थितियों में आपका किस तरीके से ऑप्टिमम ग्रोथ जो है वो पा सकता है। फैक्टर इंटरेक्शन की बात करें तो ये जो है इकोसिस्टम में जब डिफरेंट आपके लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो है आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उसे हम फैक्टर इंटरेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फैक्टर इंटरेक्शन जो है वो तीन तरीके का हो सकता है। तो बेसिकली जो है एनर्जी फ्लो होगा फ्रॉम बायोटिक टू एबायोटिक, फ्रॉम बायोटिक टू बायोटिक, या फिर फ्रॉम एबायोटिक टू एबायोटिक। उसी के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन मेंशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन। वहीं थर्ड वन इज इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, जितने भी बायोटिक इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो नॉन लिविंग फैक्टर्स जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे वो समझते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं जैसे आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट एंड द केमिकल्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विंड और वाटर जब आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो लैंड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। किस किस फॉर्म में? पहाड़ी बन रही है, कहीं पे आपकी चट्टानें बन रही हैं, कहीं पे मैदान बन रहे हैं, कहीं पे आपकी सी बीचेस बन रही हैं, तो ये सब आपके फॉर्मेशंस हो रहे हैं। वहीं हम सनलाइट और टेम्परेचर के इंटरेक्शंस की बात करें तो सनलाइट जब भी टेम्परेचर से इंटरेक्ट करेगी तो आइसी प्लेन्स और आइसबर्ग्स बनेंगे, जैसे कि अंटार्कटिका और नॉर्थ पोल में दिखाई देते हैं। वहीं हम इक्वेटर के अराउंड देखें तो आपका टेम्परेचर और रेनफॉल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो आपका जो क्लाइमेट है ट्रॉपिक्स का वो हॉट एंड ह्यूमिड हो जाता है, जिसकी वजह से बेटर द सर्वाइवल रेट इज ऑफ ट्रॉपिक्स। इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअल जो हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो जैसे मैमल्स देखें हम, जो ठंडी जगहों पे रहते हैं उनका जो फर होता है वो बहुत मोटा होता है ताकि वो गर्म रह सके। वहीं रेप्टाइल्स को हम देखते हैं तो वो आपके हॉट रॉक्स जो हैं उन पे बैठती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट जो है अपनी बॉडी को दे सकें, ताकि वो गर्माहट उनकी बॉडी तक मिले।
वहीं टर्माइट्स, आंट्स और रैबिट जो है वो बरोज बना के रहते हैं ताकि वो जो है आपके टेम्परेचर से कोप अप कर सके। वहीं हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स और एल्गी जो हैं वो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लांट और एल्गी अपना फूड बना रहे हैं सनलाइट की मदद से, और हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं एनिमल्स को ताकि हम सांस ले सकें। और वहीं हम एग्जांपल देखें जैसे प्लांट्स और एल्गी, तो एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स और एल्गी को खाते हैं ताकि जो एनर्जी है वो उन्हें विटामिन्स या मिनरल्स की फॉर्म में या फिर आपके बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में हमें जो भी एनर्जी है या जो भी आपके बायो एसेंशियल्स हैं वो मिल सकें प्लांट्स और एनिमल्स से। वैसे ही हम प्रेडेटर्स को देखते हैं तो वो भी अपने डिफरेंट एनर्जी या आप न्यूट्रिएंट्स जो है वो एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू ही मोस्टली लेते हैं एनवायरनमेंट से। इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इकोसिस्टम में तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स या एनर्जी क्रिएशन फिनोमेना। तो पहला है प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर एंड देन डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स और एल्गीज होते हैं, जो कि अपनी एनर्जी जो है वो अपने आप ही क्रिएट करते हैं, अपना फूड अपने आप बनाते हैं वाया फोटोसिंथेसिस। वहीं कंज्यूमर्स की बात करें तो ये डिपेंडेंट होते हैं हमेशा प्रोड्यूसर्स के ऊपर, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं और तब इन्हें एनर्जी जो है मिलती है। वहीं डिकम्पोजर्स की बात करें तो जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके ये एनर्जी गेन करते हैं, और वापस से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये वापस से सॉइल में उसे मिला देते हैं। तो दिस वन इज़ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फोर मेन टाइप्स ऑफ स्पीसीज इंटरेक्शन की बात करें इकोसिस्टम में जो होती है, तो फर्स्ट वन इज प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड हर्बीवोरी। इसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा तो दूसरे को नुकसान होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा। प्रेडेशन में प्रेडेटर को बेनिफिट होगा तो प्रे को नुकसान होगा। वहीं पैरासिटिज्म में पैरासाइट को बेनिफिट होगा तो जो आपका होस्ट है उसे नुकसान होगा। हर्बीवोरी में हर्ब्स जो है उनको नुकसान होगा तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनको बेनिफिट होगा। कंपटीशन में दोनों ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो आपस में कंपीट करेंगे फॉर कॉमन फूड या फॉर कॉमन स्पेसेस, तो उनको लॉस होगा। कॉमनसलिज्म का एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे आपके दोनों जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको उनमें से एक ऑर्गेनिज्म को जो है बेनिफिट होगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो है वो ना तो उन फायदा होगा ना नुकसान होगा, तो दिस वन इज कॉमनसलिज्म। म्यूचुअलिज्म को देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं दोनों ऑर्गेनिज्म जो है उनको बेनिफिट होगा, तो देयर इज म्यूचुअलिस्ट इंटरेक्शन। तो बायोटिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल्स समझते हैं। तो हम यहाँ पे देखें रेड फॉक्स, हेयर और के ग्रासेस जो हैं उनको हम प्रेडेटर प्रे डायनामिक्स से समझते हैं। तो यहाँ पे हेयर्स जो हैं वो घास खा रही हैं और रेड फॉक्स जो है वो हेयर्स को खा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बेनिफिट इज़ फॉर फॉक्स, फॉक्स को बेनिफिट हो रहा है, वहीं हेयर को लॉस हो रहा है, और ग्रासेस जब हेयर्स के द्वारा खाई जा रही है तो ग्रासेस को भी लॉस हो रहा है। तो ये जो है प्रेडेटर प्रे डायनामिक्स का एग्जाम्पल है। वहीं कॉमनसलिज्म को हम समझें तो इसमें ये कन्फर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है कि किस इंडिविजुअल को बेनिफिट है और किसे लॉस है। एग्जाम्पल से समझते हैं तो रेमोरा फिश जो है वो आपकी बड़ी फिशेज जैसे कि शार्क्स हैं उनके बॉडी पे चिपक जाती हैं और उन पे चिपक के इधर उधर राइड करती हैं और उनका जो बचा हुआ फूड है उसे खा लेती हैं। तो शार्क्स जो है शिकार कर रही हैं और रेमोरा फिश उसे खा रही हैं। तो डबल बेनिफिट इज़ फॉर रेमोरा फिश कि उन्हें फ्री राइडिंग भी मिल जा रही है और साथ साथ में लेफ्ट आउट फूड भी मिल जा रहा है। वहीं शार्क्स को बेनिफिट है कि नहीं ये इस पे डिपेंड करता है कि शार्क्स के पास फूड अवेलेबिलिटी कितनी है। फूड कम है तब तो लॉस है और फूड ज़्यादा है तब कोई लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखें प्लांट्स और पॉलिनेटर्स की बात करें तो प्लांट्स के पॉलिनेटर्स जैसे कि बर्ड और बटरफ्लाई म्यूचुअलिस्ट इंटरेक्शन को शो करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बटरफ्लाई और बर्ड जो है वो पॉलन्स को इधर उधर स्प्रेड कर रही हैं और प्लांट्स के रिप्रोडक्शन को बढ़ा रही हैं। वहीं जो बर्ड एंड बटरफ्लाई है वो प्लांट से नेक्टर एज अ फूड जो है आपके ले रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट द लॉज ऑफ इकोलॉजी। थैंक यू।